जो पीओके से 1947 में पीओके विस्थापित आए हैं उनको सभी को एक समान सभी को मिलना चाहिए, जो मुआवजा राशि है सभी को मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि जो जम्मू कश्मीर में बस के उनको, तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू में हुई है, पाकिस्तान से हम पहले हमें जम्मू में बसाया गया, वहाँ से केंद्र सरकार द्वारा ही हमें अन्य राज्यों में बसाया गया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, देहरादून। तो हम जो 5300 परिवार अदर स्टेट में हैं उनको भी सभी के समान मिलना चाहिए, 1080 बिल्कुल एक मुफ्त मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, हमारा हक है, क्योंकि हमें जो राजस्थान में जो बसाए गए हैं ना, जम्मू में जो बसाए गए उनको तो ज़मीन भी मिली गवर्नमेंट की तरफ से और प्लाट भी, लेकिन राजस्थान में जितनी फैमिलियाँ बसाई गई उनको ज़मीन भी नहीं दी गई, ज़मीन हमें किस्तों पर दी गई है और मैं प्लाट भी कोई फ्री में नहीं दिया गया। सर कितना टाइम हो गया जी की बात कर रहे हो आप, 53 की बात कर रहे हो? हाँ जी, तो 53 से पहले आप? बिल्कुल जी, पहले संघर्ष हम हर बार मांग करते आए, हम 1960 से लगातार मांग कर रहे हैं। आप किसी सरकार ने नहीं, कोई अनदेखी कर रहे हैं हम सभी सरकारें। अब शायद इन्होंने ये घोषणा की है कि 5300 फैमिलियाँ जो वंचित रह गई उनको भी दिया जाएगा, अब इसकी नोटिफिकेशन जारी हो तभी विश्वास होगा ना। केंद्र सरकार में किससे मांग कर रहे हैं, किसको ज्ञापन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, होम मिनिस्टर हो गए, तो यदि आपकी सरकार डिमांड पूरी नहीं करती फिर आगे का क्या आप करोगे? ना दे जाएंगे, सरकार के खिलाफ बैठेंगे, क्यों नहीं दी जाएंगे? जो विधायक हैं और MP हैं, अर्जुन जी मेघवाल मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार से फिर जबरदस्त प्रदेशों में भेजा गया था उस समय, जिनमें 5300 फैमिलियाँ जम्मू से बाहर बैठी हैं उनको जम्मू के अंदर जो सेंक्शन हुआ है क्लेम उसके समान हमें राशि मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जो 5300 फैमिलियाँ बाहर अन्य प्रदेशों में, चाहे वो दिल्ली में, चाहे राजस्थान में, चाहे UP में, जहाँ भी कहीं सेटल हुई है, तो उनको वो समान क्लेम की राशि मिलनी चाहिए। और हम जितने प्रताड़ित रहे हैं इतने वर्षों से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, हम न्याय की इच्छा करते हैं, जल्द से जल्द हमें ये न्याय मिलना चाहिए। हमारी कौन सी सरकार से आप डिमांड कर रहे हैं? डिमांड केंद्र सरकार से कर रहे हैं, केंद्र सरकार करेगी इसको सेंक्शन, और दोबारा जो है राजस्थान सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके आधार पर होगा, और केंद्र सरकार ने ये सेंक्शन करना है, क्योंकि जो राज्य जो के क्षेत्र POK के अंदर है वो पाकिस्तान के अंदर चले गया है, POK का क्षेत्र जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उस क्षेत्र का जो भी समस्या है उस केंद्र सरकार ही हल करेगी। मुझे उनको किसी तरह कोई न्याय नहीं मिला, और भी जो पार्टी से पहले आए पंजाब से आए उनको सब गवर्नमेंट ने सब मदद करी, राशन कार्ड भी नहीं बने, हम चाहते हर एक तरीके न्याय मिले। हम भी अब जब वहाँ से आदमी आया है तो यही सोच के आया कि यहाँ में कुछ कोई न्याय मिले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।